Hello friends, welcome to my channel Target Judiciary. In this video we are going to start a new subject, jurisprudence. Jurisprudence हमारे नेट क्लेट और जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आने वाले LLM एग्जाम में भी इसमें से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जुरिसप्रूडेंस इज द बेसिस ऑफ लॉ है. जुरिसप्रूडेंस मीन्स होता है नॉलेज ऑफ लॉ. जुरिसप्रूडेंस लैटिन वर्ड जुरिसप्रूडेंसिया से आया है. जुरिस प्लस प्रूडेंसिया. जुरिस मीन्स होता है लॉ और प्रूडेंसिया मीन्स होता है नॉलेज. तो जुरिस प्लस प्रूडेंसिया इज इक्वल टू नॉलेज ऑफ लॉ होता है. लॉ की नॉलेज होना ही जुरिसप्रूडेंस कहलाता है. इसमें हम आगे देखते हैं स्कूल्स को. स्कूल्स मीन्स होता है थॉट्स ऑफ जुरिस्ट. जुरिस्ट के जो विचार होते हैं उनको ही हम स्कूल कहते हैं. एनालिटिकल स्कूल फर्स्ट वन. इसमें एनालिटिकल स्कूल है जिसको हम पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं. सेकेंड हिस्टोरिकल स्कूल. थर्ड सोशोलॉजिकल स्कूल. फोर्थ रियलिस्टिक स्कूल. फिफ्थ है इसमें फिलोसफिकल स्कूल जिसको हम एथिकल स्कूल के नाम से भी जानते हैं. एंड द लास्ट वन इज नेचुरल स्कूल. एनालिटिकल स्कूल को मानने वाले लोग जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, एच एल ए हार्ट और हैंस कैल्सन हैं. गाइज इसमें से पीटी में से क्वेश्चंस बनते हैं कि एनालिटिकल स्कूल को मानने वाले लोग कौन कौन से हैं. तो ये लोग एनालिटिकल स्कूल में बिलीव करने वाले लोग हैं. एनालिटिकल स्कूल का जो मीन वो है इस थ्योरी. इस स्कूल को मानने वाले जूरिस्ट जो हैं वो इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं और इसका पर्पस होता है लॉ में रिफॉर्म करना. सो गाइस आगे की वीडियो में हम हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट, रियलिस्टिक स्कूल के जूरिस्ट, फिलोसफिकल स्कूल के जूरिस्ट और नेचुरल स्कूल को कवर करेंगे. सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम आगे की वीडियो बना सकें.